आजकल ये भी काफी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कभी अमित शाह होम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, कभी आप देख रहे होंगे कि जेपी नड्डा साहब से मिल रहे हैं, चाय पर चर्चा हो रही है। दरअसल इनकी भी एक कहानी है, संजय निषाद की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ कि देखिए, ये अपने आप में बहुत कमजोर है एक तरह से। इनकी तुलना आप लोग एक सिंगल लकड़ी की तरह कर सकते हैं एक तरह से, कि आप सभी जानते हैं कि जब एक लकड़ी अकेली रहती है तब तक वो उसे कोई भी तोड़ सकता है, वो अपने आप में कोई पर्याप्त तो उसमें ताकत नहीं होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब लकड़ियों का एक एक करके गट्ठा बन जाता है, तब आपने देखा है कि उन्हें तोड़ पाना मुश्किल होता है, उनकी ताकत बढ़ जाती है। और इस बात को आपको बता दूं कि जो भी बड़े राजनीतिक दल हैं वो समझते हैं, और बीजेपी को ये बात समझ में आई 2018 में। 2018 में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2017 में आपके विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी को बहुमत मिलता है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य थे योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ लोकसभा सदस्य से अपना इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि 2018 में उपचुनाव होता है, गोरखपुर की बात कर रहा हूं, जो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की एक तरह से परंपरागत सीट बनी हुई है, वहां से आप देखेंगे बीजेपी काफी लंबे समय से जीतती आई है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि उस समय जो उपचुनाव होता है तो संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि सपा के साथ एक तरह से उनकी तरफ से उम्मीदवार बनते हैं, और उस गोरखपुर सीट पर बीजेपी को हरा देते हैं। और उस समय आप देखेंगे कि जो भी बड़े राजनीतिक दल हैं उन्हें इनकी ताकत का अनुभव होता है कि अगर ये किसी पार्टी से जुड़ जाएं तो आप देखिए काफी जगह ये जिता भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो 500,000 2,000 से जो चुनाव हारते हैं जो भी विधायक, उन्हें आराम से चुनाव जिता सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2022 के लिए बीजेपी इन्हें अपने साथ लेने की बात भी कर रही है, और याद रखिए इनका जातियों से जुड़े हुए हैं और इनका जातिगत समीकरण एक तरह से काफी मायने भी रखता है। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जातियों ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, इन नेताओं के लिए जो भी जातिवादी नेता है, और बहुत कुछ इन्हें मिला भी है। ये अलग बात है कि जातियों के लिए कुछ नहीं कर पाए लोग, बस अपना ही घर एक तरह से भर पाए। अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा कि एक आपने देखा होगा न्यूज चैनल ने इनका स्टिंग ऑपरेशन भी किया हुआ था, और उसमें आपने देखा है कि इन्होंने हकीकत जो सच्चाई है उसे बयान भी की हुई थी, और आप सबके सामने आई भी हुई थी कि इनका मकसद क्या है। एक तरह से आप उसे देखेंगे तो इनका मकसद आप लोगों को साफ क्लियर पता चल जाए कि अपना घर भरना है, इन्हें जातियों से कुछ नहीं लेना देना। इन्होंने यहां तक कबूल कर लिया कि हम एक तरह से टिकट बेच देंगे, बिकेल आप समझ रहे हैं, बीजेपी से लेके टिकट की बिक्री भी कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि काफी जगह आप देख सकते हैं निषाद पार्टी के वोटर भी हैं, तो उस लिए तो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे संजय निषाद। तो इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर है कौन आखिर संजय निषाद। एक बार पहले उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, ये है उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। और इसे राज्य बनाने की बात करें तो आप देखेंगे इसे 24 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था, और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद भी है यहाँ 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, कितनी 80 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें उत्तर प्रदेश पर गड़ी रहती हैं, समझ रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी कुछ मायने रखता है। तो इनका ये आपको मालूम है कि डॉक्टर भी हैं,
संजय निषाद डॉक्टर भी रह चुके हैं। इनका नाम है डॉक्टर संजय निषाद। इनका जन्म होता है 7 जून 1965 को। और अगर हम लोग इनके व्यवसाय की बात करें तो डॉक्टर भी हैं और अब आप जानते हैं कि नेता भी बन चुके हैं। और आपको एक और बात बताता हूँ, देखिए इससे पहले भी ये कई बार चुनाव लड़े भी हैं और ये हारे भी हैं। मैंने बताया ना कि ये अपने आप में ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर किसी बड़े राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं तब इनकी ताकत का अनुभव होता है और मालूम चलता है। और इन्होंने देखिए पहले बीएसपी में भी रह चुके हैं कुछ समय के लिए, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई हुई थी जिसका नाम निषाद पार्टी रखे हुए हैं। निषाद एक जाति होती है। साल 2002 में इन्होंने पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन का गठन भी किया और डॉक्टर संजय इसके अध्यक्ष भी थे। और आपको एक और बात पता होगा कि आप लोग होम्योपैथी डॉक्टरों के पास जाते भी होंगे, बड़ी मीठी दवाई देते हैं एक तरह से, तो आजकल ये बीजेपी को भी वही मीठी दवा खिला रहे हैं। वर्ष 2008 में इन्होंने ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन और शक्ति मुक्ति महासंग्राम नाम की दो संगठन भी बनाए। कब? 2008 की बात है। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने 7 जून 2015 को गोरखपुर से सटे सहजनवा क्षेत्र के कसरावल गांव के पास निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक को जाम भी किया हुआ था। अभी आपको बता दूं कि निषाद जो जाति है ये ओबीसी में आती है और ये चाहते हैं कि वो अनुसूचित जाति में शामिल हो, उन्हें आरक्षण मिले। और इस आंदोलन में इन्होंने जो आंदोलन 2015 में किया हुआ था इसमें आप देखेंगे पुलिस ने फायरिंग भी की हुई थी, एक व्यक्ति की डेथ भी हुई थी। और तब से आप देखेंगे कि संजय निषाद काफी उभरे हुए हैं वहां से। फिर आप ये आगे चल के क्या करते हैं, 2016 में निषाद पार्टी का गठन करते हैं। और निषाद पार्टी की अगर बात करें, पूरा नाम है इसका निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, इसका पूरा नाम है। निषाद पार्टी को निषाद केवट बिंद मल्लार कश्यप मांझी गौंड और अन्य समुदायों के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया। और ये सभी आप देखते हैं, ये जाति आपकी वही है जो नदियों के किनारे रहती हैं। और आपने ये भी सुना होगा, अगर इनका इंटरव्यू कभी सुना है, इन्हें आप लोगों ने सुना होगा, तो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम को जिस तरह से एक मल्लार ने नैया पार कराई थी, उसी तरह से हम भी उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी से जुड़ जाएंगे उसकी नैया पार एक तरह से उसी नाव से पार करा देंगे, उसकी सत्ता आ जाएगी। और जिसके पारंपरिक कारोबार नदियों पर केंद्रित हैं, जैसे नाविक मछुआरे मछली पकड़ने का काम ये करते हैं। इनकी पार्टी की बात करें तो मैरून टोपी और झंडे से इनका पार्टी का एक तरह से चिन्ह कह सकते हैं आप लोग, या प्रतीक कर सकते हैं। निषाद पार्टी ने 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ऑफ इंडिया और अपना दल और जन अधिकार पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया हुआ था 2017 में। आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ ये नहीं थे, ठीक है। और इनकी पार्टी ने 100 उम्मीदवारों को चुनाव भी लड़ाया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे 2018 में जिस उपचुनाव की बात कर रहे थे और जिसके कारण सबसे ज्यादा ये चर्चा में रहे, तो ये थे गोरखपुर की लोकसभा सीट। इस सीट पर उपचुनाव हुए और समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, किन्हें? प्रवीण निषाद को। और सीएम योगी के गढ़ में चुनाव जीतकर प्रवीण निषाद ने सियासी विश्लेषकों को चौंका दिया, क्योंकि ये सीट उन्होंने जीत ली। सभी यही अंदाजा लगा रहे थे कि बीजेपी की ये परंपरागत सीट रही है, योगी का गढ़ है, वो मुख्यमंत्री है, तो इस सीट पर आराम से बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी चुनाव हार जाती है। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवीण बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। फिर आप देखेंगे कि 2019 को निषाद पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा हो जाती है, और जिसमें प्रवीण कुमार निषाद भाजपा के टिकट पर संत कबीर नगर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बनते हैं। और अभी इनके जो बेटे प्रवीण निषाद हैं वो लोकसभा सदस्य हैं। संजय निषाद, देखिए याद रखिए, ना तो लोकसभा के सदस्य हैं, ना ही विधानसभा के सदस्य हैं, और ना ही आपको राज्यसभा के सदस्य देखने को मिलेगी, और ना ही विधान परिषद के सदस्य। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब
बीजेपी से गठबंधन करने की बात, ये इन्हें आपका विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा, हो सकता है कि इन्हें मंत्री भी कुछ समय के लिए बना दिया जाए, और 2022 में क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम लोग निषाद पार्टी की बात करें ताकत की, तो गंगा किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, और 2016 में गठित निषाद पार्टी का खासकर निषाद, केवट, मल्लार, वेलदार, बिंद बिरादियों में अच्छा असर भी देखने को मिलेगा। गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, महाराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, भदोही, वाराणसी समेत आप देखेंगे 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, और यही अदा कर सकते हैं, और इसे बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि इन्हें काफी चूना लगाया जा रहा है, या आप कह सकते हैं चूना काहे को, तेल लगाया जा रहा है। बड़े कुछ काल से आप देख रहे हैं कि चाल फैलाई जा रही है, इन्हें एक बहुत बड़ा चढ़ा की नेता भी दिखाया जा रहा है कि ये जुड़े रहे हमारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे अगर हम लोग संजय निषाद की सरकार से 6 बड़ी मांगे भी हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकी अपनी बातों को ये हमेशा आगे रखते हैं, और इन्हीं बातों को लेकर ये आप देखेंगे अभी तक जितनी भी राजनीतिक सफलता पाई हुई, इन्हीं बातों की वजह से इन्होंने जनता में अपनी एक तरह से पकड़ की हुई है। एक तो ये चाहते हैं कि हर जिले में हर जाति के लिए कोचिंग सेंटर तैयार हो, और निषाद राज और राम गले मिले थे तो दुनिया में शांति हुई थी, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी कि आप देख रहे हैं कि आपकी किताब में हमें इसे शामिल किया जाए। गरीबों के लिए बैकलॉग की व्यवस्था की जाए, और आर्थिक आधार पर बैकलॉग से पद भरे जाए, और भाजपा ने जैसे अपने मुकदमे वापस किए वैसे ही हमारे भी कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस हों, क्योंकि आपने देखा है योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे थे, FIR थी, उन्हें भी वापस कर लिया था, और योगी आदित्यनाथ पर भी एक दो मुकदमे थे, उन्हें भी उन्होंने वापस कर लिया है, तो उसी की बात हो रही है। उसी तरह से चाहते हैं कि हमारे भी मुकदमे वापस हो जाएं, और इन्हें आते कि निषाद को आरक्षण दिया जाए, और इनके ताल घाट में हमें एक तरह से इनके जो तालाब थे मछलियों का काम होता था इन्हें वापस दिया जाए, क्योंकि निषादों में भी आप देखेंगे कई ऐसी जातियां हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, तो ये चाहते हैं कि कुछ उन्हें मदद भी मिले इस तरह से, और यही इनकी शक्ति कह लीजिए, ताकत कह लीजिए। संजय निषाद किताबें भी लिख चुके हैं, संजय ने खुद एक पुस्तिका निषादों का इतिहास और दूसरी भारत का असली मालिक कौन नामक किताबें लिखी हुई हैं, जिसमें उन्होंने निषादों का इतिहास लिखा ताकि व्यवस्था और राजनीतिक परिवर्तन हो सके और लोग इनसे अधिक से अधिक जुड़ सकें। तो यही कहानी है संजय निषाद की, और भी बचा हो मुझे लगता है मैंने तो सभी को कवर कर लिया है, अगर फिर भी कोई बचा हो तो बताइए उसे भी, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।